नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बरसात के कहर से बचने के लिए नालों की युद्ध स्तर पर की जाए सफाई। चित्रा सरवारा। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने SDM को ज्ञापन सौंप कर गुहार लगाई है कि अम्बाला छावनी के लोगों को बरसात के कहर से बचाने के लिए सभी बड़े और छोटे नालों की युद्ध स्तर पर सफाई करवाई जाए। चित्रा सरवारा ने ज्ञापन में कहा कि हम आपका ध्यान अम्बाला छावनी के हर साल की तरह होने वाले बरसात से नुकसान की ओर दिलाना चाहते हैं और साथ ही बरसात से होने वाले नुकसान पर भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं। बाढ़ से बचना है तो प्रशासन को पहले से ही कदम उठाने होंगे। आज से लेकर मॉनसून अम्बाला पहुँचने तक लगभग 25 दिन हैं, जिनमें प्रशासन इन मुश्किलों से जूझने के लिए पहले से ही सकारात्मक कदम उठा सकता है, जो अम्बाला पर बरसात की मार झेलने में मदद करेंगे। चेकिंग कर रहा था मशीन की, कुछ मशीन रिमूव कर सकते, तो हमें जरूरी नहीं कि मशीन सही प्रोजेक्ट ना करें, इसमें बनी हुई सड़क उखेड़ी जाए, अनलेस इमरजेंसी। अब चंद्रपुरी सुंदर नगर की सारी सड़कें उखेड़ दी और इसमें कुछ फोटोग्राफ जो हमने यहाँ पे डाली हुई है, तो नालों के हमारे ये बनी बनाई टाइलों की सड़क थी जो पूरी उखेड़ गई और यहाँ पर अब ठेकेदार ने कह दिया है कि अभी बैठेगी, इसके बाद काम करेगी। अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है जिसको देखेंगे। वैसे तो फ्लड से रिलेटेड इशू उठाए इन्होंने, फ्लड से रिलेटेड इशू हम लगातार पिछले 2 दिन से पूरा टीम के साथ राउंड ले चुके हैं। परसों भी मैंने राउंड लिया है, कल DC साहब के साथ भी पूरे एरिए का राउंड लिया है और इनकी जो भी कोई पॉइंट है, इनके सुझाव योग्य हैं, उन पर भी गौर करें। चंद्रपुरी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार का चल रहा है, हमेशा के लिए वहाँ पानी की समस्या रहेगी नहीं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से कल भी विजिट किया है, 30/6 तक कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पानी की समस्या रहेगी भी नहीं। वो तो जो एक ब्रिज है वो तो ऑलरेडी एक काम कर रहा है, दूसरा ब्रिज जो बनाया जाना है उसका काम जो है NHAI कर रहा है, तो उससे तो कोई पानी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। पानी जब आएगा तो उस टाइम तो काम तो अंदर हो ही नहीं सकता। इस साफ सफाई के लिए बताया गया आपको, कल पूरा हमने विजिट किया है, परसों भी किया है पूरी टीम के साथ। साफ सफाई के लिए 15 दिन का उन्होंने डिपार्टमेंट ने टाइम मांगा है। सारा कंप्लीट सफाई होने के बाद दोबारा से DC साहब और हम दोबारा से फिर विजिट करेंगे पूरा कंप्लीट एरिया। देखिए, हमने अम्बाला प्रशासन के नाम एड्रेस टू SDM हमने आज ये ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन कंसर्निंग है जो अभी आने वाली हमारे मॉनसून है और हमें हर साल एक अम्बाला को बाढ़ जैसी स्थिति का उसका सामना करना पड़ता है। हर कोई जानता है मॉनसून थोड़ा सा पहले भी चल रहा है और अब की बार बहुत ज़ोरदार होएगा और गत दिनों ही 2-4 घंटे की बरसात ने अम्बाला का बहुत बुरा हाल है। लेकिन इसमें हम समझते हैं कि मात्र विपक्ष होने के लिए सिर्फ सरकार में कमियां नहीं निकालेंगे। आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के हमारे सभी साथी इकट्ठे होकर हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया था और कुछ सुझाव आज हम प्रशासन के लिए लेके आए हैं, जो हम आशा करते हैं प्रशासन, हमारे स्थानीय मंत्री, सरकार एंड एनी पावर्स दैट मे बी, वो सब उसको सुझावों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सुझाव रिलेटेड टू फ्लडिंग जो हम एक फेस करते हैं, अब से लेके मॉनसून अगर ठीक ठाक टाइम पे आता है तो हमारे पास तकरीबन 25 दिन अम्बाला के पास अभी भी हैं और 25 दिन प्रशासन के लिए अगर राइट इंटेंशन हो तो बहुत होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। हमारे की तौर पर 3 सुझाव हैं और सबसे पहला हमारा सुझाव है कि जो सब जानते हैं कि हमारे जो मेन नाले हम अम्बाला से ऊपर अम्बाला के नीचे की तरफ और विद इन अम्बाला जितने भी हमारे की नाले हैं तो युद्ध स्तर पर इनकी सफाई हो। जब हम प्रशासन में थे हमने उस टाइम देखा था कि प्रशासन कई मशीनों का, कंपनियों का चेकिंग कर रहा था कि कौन सी मशीन किस तरह के नाले से किस तरह का गंद निकाल सकती है। हमने ये सुझाव दिया है कि फॉरगेट मशीन से हम अपनी मशीन खरीदेंगे चलाएंगे, आप एजेंसी हायर करिए जिसके पास मशीन हो, जिसके पास मैन पावर हो, गिव देम अ क्विक कॉन्ट्रैक्ट, 20 दिन के अंदर आप मेन नालों में से बहुत बड़ा जो सिस्टम गार्ड का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, कहीं पे जो भी गोबर या कुछ इकट्ठा हो रखा हो, जिस जिस पॉइंट्स पे ब्लॉकेज हो वो ब्लॉकेजेस आप क्लियर करें। और साथ ही में नालों से जुड़ा पॉइंट है कि अभी अम्बाला में एक कर्फ्यू लग जाता है शाम को, दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी यूटिलाइज कि शाम के समय पे मंडियों में और इन इलाकों में मौसम भी ठीक रहेगा, सफाई की जो एजेंसी और हमारे कार्यकर्ता वो उस टाइम सफाई। दूसरा हमारा मेन और मुख्य सुझाव जो कि अभी अंदर ऑफिसर्स ने भी कहा कि उन्होंने इस बात पे सोच विचार नहीं किया था, वो ये था कि अब से लेके मॉनसून खत्म होने तक हर ठेकेदार को हिदायत हो कि कोई भी बनी हुई सड़क खोदने का काम वो नहीं करेगा, अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी रिपेयर।
बहुत से इलाकों में पुराने प्रोजेक्ट्स के चलते, पानी के चलते सड़कें खोद दी जा रही है जो बिल्कुल ठीक ठाक थी, और अब उस खुद ही सड़क का काम खत्म नहीं हो रहा। लोग वहाँ पे हताश हैं, परेशान हैं, बीमारी भी फैलेगी, परेशानी भी होगी, चोट भी लगेगी। तो हमने प्रशासन से कहा है कि हर कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दे दी जाए अगले 20 से 25 दिनों में जो भी वो काम कर रहा है उसे कंप्लीट करके सड़क को फिनिश हालत में ले आए। कोई कनेक्शन वगैरह दे देंगे तो उसके पाइप के आउटलेट्स और साइड में छोड़ सकते हैं, लेकिन कंप्लीट एवरी प्रोजेक्ट और कोई नई सड़क आपने नहीं खोदनी। ये थोड़ी सी प्लानिंग से अगर हम चलेंगे तो बहुत सी लोगों को इसमें परेशानी हमारी कम हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट था कि हर साल जब फ्लडिंग होती है तो टांगरी के पास के इलाकों में भराव आ जाता है, और वहाँ पर फिर प्लॉटों से पानी निकालना पड़ता है, मेन नालों में डालना पड़ता है, डिक्कियों में डालना पड़ता है, डिक्कियों से हमें टांगरी में डालना पड़ता है। तो लेट अस बी अ स्टेप अहेड, हमने प्रशासन से कहा है, उन्होंने कहा है शायद अगली बार शायद वो ड्रेनेज का नाला चल जाए, लेकिन वो नाला एक एरिया के बहाव को ही करेगा। पूरे अम्बाला का पानी जब चंद्रपुरी कॉलोनी रेलवे के नीचे से निकल के जाएगा तो उसकी मदद नहीं करेगा। हमने प्रशासन से सुझाव दिया है कि अपने जो पंप्स हैं इनके पास मौजूदा की तादाद बढ़ा ली जाए, क्योंकि वरना दो दो दिन बाद पंप घूम के वापस आता है, और जो भी फाइनल पॉइंट है जहां पानी उठा के टांगरी में फेंका जाता है उस पॉइंट पे पंप्स ऑलरेडी जल्दी समय से पहले चालू कर लिया जाए ताकि वहां पे बाढ़ की हमारी स्थिति ना आए। हम समझते हैं अगर ये कदम उठाए जाएंगे अम्बाला कुछ हद तक राहत पा सकता है, और जो भी अब से लेके बरसात खत्म होने तक हमने ध्यान, पैसा और एनर्जी लगाना है वो ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स पे ना लगाया जाए, वो इस तरह की अम्बाला की मूलभूत सुविधा से जुड़े प्रोजेक्ट पे जरूर लगाया जाए। तो वी होप द एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक केयर ऑफ इट, और हम अपनी तरफ से हमेशा मदद करते आए हैं, इस बार सुझाव दिया है, एंड वॉट एवर वी कैन हेल्प हम उसमें पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। वी होप कि अब की बार अगर हम पहले कुछ कदम उठाते तो अम्बाला की जनता को